नोएडा में श्रीकांत त्यागी मामले को लेकर मुजफ्फरनगर के फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित त्यागी सभा भवन में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें त्यागी सभा भवन के अध्यक्ष हरिओम त्यागी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में त्यागी समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान नोएडा में श्रीकांत त्यागी द्वारा महिला के साथ की गई बदसलूकी की आलोचना की गई, तो वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा श्रीकांत की पत्नी को अवैध रूप से गिरफ्तार करने और श्रीकांत त्यागी के रिश्तेदारों और मित्रों को गुंडों की संज्ञा देने पर त्यागी समाज ने घोर निंदा की। त्यागी समाज के लोगों ने कहा कि एक समाज को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। अगर एक व्यक्ति का कसूर है तो सजा एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, ना कि उसके समस्त रिश्तेदारों और परिवार को। त्यागी सभा भवन में आयोजित की गई सभा में पुलिस द्वारा श्रीकांत त्यागी के प्रकरण को लेकर की गई कार्रवाई पर रोष व्यक्त किया गया। त्यागी समाज की पंचायत के दौरान त्यागी समाज के लोगों ने श्रीकांत त्यागी द्वारा की गई अभद्रता को गलत ठहराया और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर भी सवाल उठा। इस दौरान कई लोगों ने बीजेपी पर त्यागी समाज के लिए दुष्प्रचार का आरोप लगाया। आज त्यागी धर्मशाला में श्रीकांत त्यागी के मामले में एक पंचायत बुलाई गई त्यागी समाज की, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी भागीदारी की है। और ये जो बताया बोला जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी ने महिला को गाली दी है, बिल्कुल उसने गाली दी है, उसकी वीडियो भी है, ऑडियो भी है, उसको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। क्या 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 एक महिला जिसे श्रीकांत त्यागी ने गाली दी वही महिला थी, या जो वो महिला नहीं थी श्रीकांत त्यागी की पत्नी जिसे पुलिस उठाकर ले गई है, जिसका शोषण किया है, वो महिला नहीं थी क्या? या कौन सी IPC की धारा, ये कौन सी है गाली देने में? गैंगस्टर, 25,000 का इनाम, और जो बिल्कुल ही उसे माफिया बना दिया, बिल्कुल ही उसे आतंकवादी बना दिया, ये कौन सी है? उसका घर तोड़वा दिया। भाजपा का रोष इसलिए जताया क्योंकि सरकार भाजपा की है, शासन प्रशासन भाजपा का है, और किसका विरोध? अगर किसका विरोध किया जाएगा बताओ? त्यागी समाज चाहता है कि एक तो जो भी उसने गलती की है उसे उसकी सजा मिले, लेकिन जो गलती में है उतनी ही सजा मिले। त्यागी समाज के एक वक्ता ने कहा, अगर सरकार अपनी नीतियां त्यागी समाज के लिए ठीक नहीं करती है तो वे बीजेपी के नेताओं का गांव के बाहर बोर्ड लगाकर प्रवेश बंद करेगी। वहीं इस दौरान बीजेपी का समर्थन करना एक वक्ता को भारी पड़ गया। जैसे ही समाज के एक वक्ता ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया तो सामने बैठे त्यागी समाज के लोगों ने उसका विरोध किया। इस पर काफी देर तक हाय हल्ला मचा रहा और हंगामा हो गया। त्यागी सभा भवन में हल्ला हंगामा होता देख मौके पर तैनात थाना सिविल लाइन प्रभारी संतोष कुमार त्यागी भारी पुलिस बल के साथ अंदर पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को शांत बैठने की अपील की।